इसको ये स्विच को इस तरह से हमें खोल लेना है और इस तरह से ये नीचे वाला टर्मिनल में लगा देना है। ये भी तार इसी में था दोस्तों। दोस्तों स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल एहसान अली इलेक्ट्रिशियन में। दोस्तों ये स्विच अगर आपके भी घर में अगर टूट जाए तो किस तरह से चेंज करना है ये इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं। सबसे पहले ये नट खोल लेना है आपको बारी बारी से इस तरह से। दोस्तों यहाँ देख लीजिए इस तरह से, अगर आपके भी घर में हो जाए उसको चेंज। दोस्तों इसमें देख लेना है, पहले लाइन कट कर देना है। दोस्तों लाइन कट करके इसको इस तरह से हमें खोल लेना है और ये जो इसमें है इस तरह से इसको भी हमको खोल देना है। और दोस्तों ये जो ये जो स्विच के अंदर ये दोनों है, ये दोनों को भी इस तरह से खोल लेना है। अब दोस्तों इस वाला को भी इस तरह से पकड़ कर खोल देना है। और इस तरह से ये जो लिखा हुआ रहता है दोस्तों इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कर देना है, फिर इसको वोल्ट को इस तरह से आराम आराम से डाल देना है। उसके बाद इसको इस तरह से पकड़ के ये दोनों साइड को पकड़ लेना है दोस्तों, इस तरह से पकड़ लेना है। इसको यहाँ पे ये वोल्ट को पकड़ के नट लगा लेना है। अब दोस्तों इस तरह से बारी बारी करके फुल टाइट कर देना। तो दोस्तों ये फुल टाइट हो गया है, अब आइए इसका कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों इसमें इस तरह से कनेक्शन था, इसको ये स्विच को इस तरह से हमें खोल लेना है और इस तरह से ये नीचे वाला टर्मिनल में लगा देना है। ये भी तार इसी में था दोस्तों। तो ये भी तार को हमको यहीं पे इसमें बहुत आराम से इस तरह से हमें जोड़ देना है और ये भी तार को इसी में जुड़ा हुआ था दोस्तों। ये पॉइंट वाला वायर है दोस्तों, ये वाला वायर को हम यहाँ से जोड़ दिए हैं, हो गया दोस्तों। और ये पॉइंट वाला वायर है, इसको यहाँ से हम जोड़ देंगे। हो गया दोस्तों, देख लीजिए। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।